शीट मिलेगी, एक मिलेगा जिसका आपको बनाना है और उसके साथ साथ आप जो चीज़ें अपने साथ लेकर करके आए रेडी की उसको रखी गई है ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन में, तो उसी की मदद से ये सारे पार्टिसिपेंट्स हम सभी उनकी रीता रीता अब्बा रीता किसमें रिप्लेसमेंट लेकर के उसके बाद में ही कुर्सी पर, और बाकी जितने अभी वर्क कर रहे हैं अपना कंप्लीट करने वाले हैं वो भी उनके लिए टाइम है। रेविक वर्मा, रेविक वर्मा कौन है? सिग्नल हो गया है तो सभी तैयार है, एक बार हाथ उठा करके पार्टिसिपेंट्स भी बोल देंगे और आप सभी की तरफ से आप सभी रेडी है। अपने बारे में इंट्रो बताने के लिए सभी तैयार हैं? ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। क्या बनना चाहेंगे ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है लोगों को, है ना? तो सारी चीज़ें अपने बारे में इस स्टैंडर्ड में हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। ओके, तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। ओके, मेरा नाम है सर, आई स्टडी इन थर्ड एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ IAS ऑफिसर। जोरदार तालियां होती रहे जब भी कोई इंट्रो अपना बताए, और सभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताते हैं जितना भी हो सके, आप अपने बारे में जितना खुल करके बताना चाहें बता सकते हैं, क्योंकि जजेस आपके अंदर की वो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे कि आप कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में सोच के रखे हुए हैं जो करना चाहते हैं, और अभी से आपकी उड़ान को ज़रूर जानेंगे सभी, ताकि आपको एक अच्छी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाएंगे सभी, और उसके बाद में आपको ये चीज़ जजमेंट भी होगा। तो आप अपने बारे में जितना कुछ बताना चाहते हैं बता दें, अपनी लाइफ में आप भी क्या बनना चाहेंगे? आपका क्या नाम है पहले आप नाम बताएं। माय नेम इज अवनी लाल। अवनी, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहेंगे? IPS ऑफिसर। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जब भी कोई अपने बारे में बताएगा IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर
कौन होते हैं अपने आप में, आसपास में जानती हैं आप किसी को जो आते हैं आपके यहाँ कभी दिखे आसपास में जो आईपीएस होते हैं, थोड़ा सा जानती हैं अगर तो ज़रूर बताना। आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस होते हैं, है ना, आपने कहा आईएएस होते हैं, आपको पता है, तो जो भी है आपको मालूम है, आप एक अपनी शुरुआत की है कि आपने बताया है कि अपने बारे में। हम अगले आर्टिस्ट जाना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, आपका प्यारा सा नाम क्या है? समायरा खान। समायरा खान, आप जजेस को देख रही हैं और आप अपने बारे में बताएंगे अपने कि आप क्या बनना चाहेंगे, एक बार जजेस की तरफ देखकर बताएंगे, यहाँ नहीं कि इधर से ही सबको बताइए कि मैं अपनी लाइफ में ये बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, अभी और भी चीजें आएंगी निकल के, अभी मिस वर्ल्ड आए हैं, ये समझ लीजिए मिस वर्ल्ड बनना चाहती है और इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस जगह पर भी प्रेजेंट की है और आगे भी इनका जो इरादा है वो चीज़ झलक रहा है, सभी ने बताया है और सभी हम ऐसे करके एक एक करके आते रहेंगे और आगे आएंगे। तो अगली लिटिल लिटिल स्टार हमारे बीच है, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं जजेस की तरफ, आपको देखना है, आप वॉक के लिए रेडी। तो ये पार्टिसिपेंट और उसके बाद अगले राउंड में जो इसी में हमारे साथ हैं, आप बताएंगे अपने बारे में अपना नाम। दैविक वर्मा। दैविक हमारे बीच है, दैविक, और दैविक ने जो रोल लिया है आप उसके बारे में बताएंगे कि इस रोल में आप यहाँ पर थे। लिटिल कृष्णा। लिटिल कृष्णा, ये यहाँ पर लिटिल कृष्णा बन के आए हैं, तो आप इनके बारे में जानिए कि आपने लिटिल कृष्णा का रोल किया है, ओके। और हमारे अगली पार्टिसिपेंट, आप नाम बताएंगे। माइका सिंह तोमर। माइका सिंह तोमर, और माइका आप यहाँ पर क्या बन के आई थी इस परफॉर्मेंस के लिए? पुलिस। पुलिस, आप इस परफॉर्मेंस में जो आई थी, आप यहाँ पर जो आप आकर के ड्रेस में आप ऐसे आई, तो कुछ बन करके आई थी कि हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपको आया ना समझ में, है ना? हाँ, तो आप क्या बन के आई? पुलिस। पुलिस, आपकी अपने हिसाब से आपने जो बताया है हमारे जजेस, इस हिसाब से आपने जजमेंट आप डिसाइड करेंगे। तो आप सभी नाम, मेरा नाम समायरा खान। समायरा, समायरा को फर्स्ट रैंक मिला है इस कंपटीशन में फैंसी ड्रेस की, तो समायरा आपके बीच, समायरा सर के हाथों से मेडल और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। तो इन सभी के लिए एक बार आप सभी तरफ से जोरदार तालियां हो जाएं, ये सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने हिस्सेदारी की, अभी पार्टिसिपेट किया इस मंच पे और हमारे जजेस ने इनका रिजल्ट डिसाइड किया, और एक बार स्माइल करेंगे सभी अक्षय जी के साथ क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा अपना परफॉर्मेंस दिया, इन्होंने बहुत अपने अच्छे एक्सप्रेशन के साथ में सबको, आप सभी को दिखाया कि इनके Thank you.
और वो इस मंच पे आपको अभी दिखेंगे कि जिनका लगभग जितने कॉम्पिटिशन हुए उन सभी में कहीं ना कहीं स्थान रहा। तो अब हम नाम लेना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे इस डांस कॉम्पिटिशन के हिस्सेदारी में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया और अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, समायरा खान। समायरा हमारे बीच पहले स्थान पर आई है और इन्होंने तीनों कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और तीनों में इनका स्थान रहा किसी में सेकंड, तो फिर ज्यादातर इनका पहला स्थान। तो समायरा के लिए जोरदार तालियां। ये मल्टी टैलेंटेड हमारे बीच है जिन्होंने तीनों कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट करके तीनों जगह इन्होंने अपना एक अच्छा प्रदर्शन किया है। समायरा बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई इन्होंने, उस पेंटिंग में इनका अच्छा रैंक रहा। उसके साथ साथ इन्होंने अभी जो ड्रेस कंपटीशन हुआ उस फैशन पे, उसमें भी इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उसके बाद अब ये डांस में भी अच्छी है। तो ये मल्टी टैलेंटेड हमारे बीच